हेलो दोस्तों, ये है देसी मार्टनी और अब आप देखेंगे हमारे साथ दिन भर की बड़ी एंटरटेनिंग खबरें डेली पंच में। तो आइए शुरू करते हैं। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म के ट्रेलर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। जैसा कि सलमान खान ने वादा किया था कि वो इस फिल्म को ईद पर लेकर आ रहे हैं, वो भी थिएटर्स में, लेकिन कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए ये फिल्म जी प्लेक्स और टीवी पर भी रिलीज होगी। इसलिए आपको हम बता दें कि अगर आपको घर बैठे कोरोना काल की सिचुएशन में ये फिल्म देखनी है तो इसके लिए आपको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर आप इसे जी प्लेक्स यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर टीवी जैसे कि टाटा स्काई D2H टीवी पर देखते हैं तो इसके लिए आपको 299 रुपए चुकाने होंगे और ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 मई 2021 को। लास्ट ईयर इट वॉज बींग सेड दैट अजय देवगन इज ऑल सेट टू कोलैबोरेट विद आदित्य चोपड़ा फॉर अ फिल्म। इट वॉज बींग सेड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट दीज टू वुड कम टुगेदर एंड इट वुड बी फॉर अ सुपर हीरो फिल्म विद अ मैग्नानिमस बजट ऑफ ₹180 crores। रिपोर्ट्स ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स दैट अजय विल बी प्लेइंग द सुपर विलन एंड दिस फिल्म वुड सर्व एज द लॉन्च पैड फॉर अनन्या पांडे'स कजिन अहान पांडे। But now, it looks like Ajay Devgan has backed out of the project. Sources claim that he really liked the role but had not signed the dotted lines. And now, because of all the commitments that he already has, he would not be able to give his time in the near future to this project. Aditya Chopra, on the other hand, does not want to push it further and thus, it looks like Ajay would no longer be a part of the film. But Ajay fans do not have to worry because he already has a number of films that's going to come up and it's also being said that his upcoming film Bhooj, The Pride of India might release on Independence Day this year. खतरों के खिलाड़ी 11 में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है इसको लेके काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं। नेम्स ऑफ सेलेब्स लाइक वरुण सूद, एजाज खान, सौरभ राज जैन एंड राहुल वैद्या हैड बीन डूइंग द राउंड्स बट नन एक्सेप्ट फॉर अर्जुन बिजलानी हैज कंफर्म्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ येट अनदर नेम हैज कम अप एंड इट्स ऑफ वन ऑफ टीवीज फेवरेट बहूज। वी आर टॉकिंग अबाउट ये है मोहब्बत एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका को अपेरेंटली इस शो के लिए अप्रोच किया गया है और उन्होंने शो के लिए हामी भी भर दी है। वेल, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी दिव्यांका डू डेयरडेविल स्टंट्स ऑन द शो एंड वी आर प्रिटी श्योर दैट फैंस वुड बी रूटिंग फॉर हर एज वेल। पिछले साल की तरह ये साल भी कई निराशाजनक खबरें अपने साथ लेकर आया है। हाल में एक्ट्रेस हीना खान ने अपने पिता को खो दिया था और अब खबर सामने आई है कि एक्टर अमन वर्मा की मां का निधन हो गया है। अमन वर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया है कि उनकी मां कैलाश वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अमन ने इसके पीछे का कारण तो नहीं बताया लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। तो डेली पंच में ये थी एंटरटेनमेंट जगत की 5 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए देसी मार्टिनी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।